जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। आज जयपुर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। अटल जी के नाम पर समर्पित रहेगा दौरा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस की संभाग स्तरीय संकल्प रैली करौली में होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माथुर स्टेडियम में होने वाली संकल्प रैली में करीब 1.5 लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। देश भर में फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम 14-14 पैसे बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्वीट की ट्रोलिंग शुरू होने के बाद कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नया इंफोग्राफिक्स चार्ट ट्वीट किया। ये चार्ट देखने में बीजेपी जैसा ही है, लेकिन इसमें कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का भी ब्यौरा था। सीकर के निमका थाना इलाके के चिपलाटा गांव में बस के आगे कैंपर गाड़ी लगाकर बदमाशों ने हवाई फायर कर दिए। यात्री डर गए और बस से उतरकर खेतों की ओर भाग गए। भीलवाड़ा के आसीन में विवाहिता का शव अपने ही घर में दफना दिया। मृतका के ससुर का कहना है कि ग्रामीणों ने उनका बहिष्कार कर रखा है, ऐसे में घर में ही शव दफना दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के गांव पीपलवास में गैस सिलेंडर विस्फोट मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 3 हो चुकी है। 4 साल की मासूम काजल ने भी दम तोड़ दिया। सिरोही की पालड़ी एम थाना पुलिस ने अरठवाड़ा गांव में 5 दिन पहले हुई 14 साल के आनंद सिंह की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अवैध प्रेम संबंधों के सार्वजनिक होने के डर से आनंद सिंह की हत्या की थी। धौलपुर के मारौली इलाके के बड़ापोरा गांव में आम रास्ते को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग की गई, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। टोक पे NH 12 पर अन्नपूर्णा अंडरपास के पास मारुति वर्कशॉप में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। यहां से चोर एक स्विफ्ट डिजायर कार और महंगे मोटर पार्ट्स लेकर फरार हो गए। पुष्कर में वास्ता भटके विद्यार्थियों का दल मिल गया है। ये स्टूडेंट्स नाग पहाड़ पर वास्ता भटक गए। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के सहयोगी शिल्पी उर्फ संचिता की सजा स्थगन याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन समय अभाव के चलते सुनवाई अधूरी रही। अब मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। भीलवाड़ा की जहाजपुर नगर पालिका के कांग्रेस के चेयरमैन विवेक मीणा के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। खास बात यह है कि कांग्रेस के ही 5 पार्षदों ने 10 बीजेपी पार्षदों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। जोधपुर PCPNGT कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण करने के आदतन अपराधी डॉक्टर इम्तियाज अली को जेल भेजने के आदेश दिए हैं, और साथ ही कोर्ट ने संविदा कर्मी लैब टेक्नीशियन फतेह किशन शर्मा को भी जेल भेज दिया है। श्रीगंगानगर में किसान नेता कॉमरेड शिवपत राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेघवाल का आरोप है कि पुलिस सरकार के इशारे पर गिरफ्तारी करके किसानों में भय का माहौल पैदा कर रही है। कई किसान नेता लाठीचार्ज में घायल हैं। अजमेर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय वक्फ विकास के अध्यक्ष अब्दुल साकिर अहमद ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ की। मुहर्रम की शुरुआत 11 या 12 सितंबर से होगी। हालांकि मुहर्रम की रस्में शुरू हो चुकी हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में कव्वाली का दौर थम चुका है। मुहर्रम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में हजरत इमाम हुसैन की चौकी भुलाई की रस्म अदा की गई। हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेढ़ी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, और इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। नागौर के डिडवाना में बीजेपी नागौर देहात द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे PWD मंत्री यूनुस खान ने संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता की। हालांकि इस दौरान वे प्रत्याशियों के चयन पर खुलकर नहीं बोले, लेकिन रूठों को मनाने की बात पर उन्होंने भी खुले मन से स्वागत करने की बात कही। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। नदी नालों के साथ बांधों में भी पानी की आवक में तेजी आई है। पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश के बाद इनकी संख्या 114 हो गई। अजमेर के अलीपुरा में सुरक्षा नायक कमरू अली को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक अमरू अली गुजरात के
डीएससी प्लाटून में एयरपोर्ट पर सुरक्षा नायक के पद पर तैनात थे। बॉलीवुड के सितारों से गुलजार हुआ मारवाड़। हाउसफुल 4 की शूटिंग करने जैसलमेर पहुंचे अक्षय कुमार तो जोधपुर एयरपोर्ट पर फैंस से घिरे बॉबी देओल। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार माने जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव का मेला आज से जोधपुर में शुरू हो गया। मारवाड़ के कुंभ माने जाने वाले इस मेले में बाबा के दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है।